एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एडु आवर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से आप और हम साथ साथ हैं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो बस बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक बात और यहाँ पर दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकेंड का समय मिलेगा, फटाफट से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो बस जस्ट लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? आंसर फटाफट से देना है आपको कमेंट बॉक्स में। टाइम आपके लिए सिर्फ 20 सेकंड मैंने प्रोवाइड करवाया है, फटाफट से आंसर दे दीजिए कि विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में जो लताएं हैं, जो बेलें हैं, उन बेलों को हम क्या कहते हैं? लियाना, पटाना, लाइकेन, लोगान, क्या कहते हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, क्या कहा जाता है? लियाना, पटाना, लाइकेन या लोगान। दोस्तों, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यदि हम बात करते हैं कि विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में जो लताएं हैं उनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये लताएं कहलाती हैं लियाना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, इसमें पटाना जो वर्ड है, पटाना वर्ड ये घास के मैदानों से संबंधित है, लाइकेन ये एक प्रकार का शैवाल होता है, लोगान भी एक प्रकार की वनस्पति होती है, बट ये ऐसी नहीं होती है जो बेल या लता जैसा कुछ हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं? फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, टाइम आपका मैंने शुरू कर दिया है। फटाफट से आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर होना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना जो आंसर है वो लिख दीजिए आप, जल्दी से बता दो वो कौन होना चाहिए। विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? चैपरेल, फेजेंडा, मैक्विस या सेल्वास। टाइम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों, अब राइट आंसर है सेल्वास। और दोस्तों आपको मैं बात बताऊं कि जो सेल्वास वन है ये विश्व की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, और ये जो सेल्वा वन है जो विश्व की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, इनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों एक बात बताऊं आपको कि ये जो समय चल रहा है हमारा, कौन सा समय आप जानते ही हैं, ये जो समय चल रहा है वर्तमान में हमारे देश में, और इस समय में ना केवल वे परिवार परेशान हैं जो कि कोरोना पेशेंट से संबंधित हैं, बल्कि वो परिवार भी इस समय बहुत परेशान हैं जो कि सामान्य हैं, कहने का अर्थ है कि उनके घर में कोई पॉजिटिव केस नहीं है, उसके बावजूद वो बहुत परेशान हैं, वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको अपने आप को बहुत एंगेज रखना होता है, आप अपने आप को व्यस्त रखिए, अपने आप को बिजी रखिए, आप अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उनको आप करते रहिए, आप ऐसे कार्यों को करना प्रारंभ कीजिए जो कार्य आपने पहले कभी नहीं किए थे, अब आप उन कार्यों को इंटरेस्ट लेकर करिए। और दोस्तों एक बात बताऊं आपको, अपनी जो छोटी छोटी जो कार्य आप जो करते हैं उनका एक वीडियो बना लीजिए, वो वीडियो आप फिर फ्री टाइम में देखिए, और ये जो वीडियो है ना दोस्तों, जब ये समस्याएं निकल जाएंगी और इन समस्याओं के निकलने के बाद जब आप उन वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत इंप्रेशन, एस्पिरेशन क्या बोलते हैं उसको, आप पर बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन, हाँ इंस्पायर होंगे आप, इंस्पिरेशन आपको मिलेगी, ठीक है, बहुत ही अच्छा वो आपको फील देंगे। आप छोटे छोटे वीडियो बना लीजिए उनके और बिल्कुल आपको वो बहुत ही अच्छा फील करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस व्यस्त रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, मानसिक तनाव से बचिए और भरपूर नींद लीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। बहुत ही खराब समय चल रहा है, लेकिन हम भारतीय हैं, हमने हमेशा से ही बहुत ही बड़ी मुश्किलों को हम सामना करते आए हैं, और ये मुश्किल भी हम जरूर सामना हम करेंगे और जीत जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बस इसी शुभकामना के साथ हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कोणधारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाना वनों में या विषुवत रेखीय वनों में। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, टाइम शुरू ये कर दिया, ओके। अब आपको बताना है कि अधिपादप किन वनों में मिलते हैं, फटाफट से आंसर दीजिए, कोणधारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाना मरुस्थल या विषुवत रेखीय वनों में। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अब आपको लग रहा होगा, हो सकता है आपने ना सुना हो कि अधिपादप कौन होते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही
जी है, बट ये मैंने एक एग्जाम में आया हुआ था वहाँ से उठाया है मैंने ये क्वेश्चन, और हमारे जैव मंडल से संबंधित है ये। आपको बताऊँ, आपको यकीन नहीं होगा, IAS प्री के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अधिपादप मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अब इसके आंसर की यदि हम बात करते हैं तो कोणधारी वन, मानसूनी वन, सवाना, विषुवत रेखीय वन, तो ये विषुवत रेखीय वनों में पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये होते क्या हैं अधिपादप? ये अधिपादप ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे वृक्ष पर निर्भर होते हैं, बट ये परपोषी नहीं होते हैं। दूसरे वृक्ष पर बढ़ने के लिए दूसरे वृक्ष पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये परपोषी नहीं होते हैं। कैसे, एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि कोई वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर मिट्टी एकत्र हो गई, ठीक है, वृक्ष के ऊपर क्या हो गया, मिट्टी एकत्र हो गई, तो उस मिट्टी में ये अपने आप को विकसित कर लेंगे। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें वायवीय होती हैं, वायवीय का मतलब जड़ें हवा में रह जाती हैं और पौधा वनस्पति पे किसी वृक्ष पे लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, इन पौधों को क्या कहा जाता है, अधिपादप कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना है। और ये अधिपादप आप हमें बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं विषुवत रेखीय वनों में। ठीक है, ओके दोस्तों, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन ईजी था, ध्यान रखना है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, ओके, तो यहाँ पे आपका टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर दे दीजिए कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, प्रेरी, टुंड्रा, टैगा या पतझड़। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, प्रेरी, टुंड्रा, टैगा या पतझड़, इनमें से कौन है जो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब यदि हम बात करें ना, प्राकृतिक जो वनस्पति का जहाँ पे सबसे ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं वो पतझड़ वन होते हैं, मानसूनी पतझड़ वन, है ना। इनमें विविध प्रकार की तो वनस्पति की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और विविध प्रकार की जंतुओं की प्रजातियाँ भी देखने को मिलती हैं, तो ये सर्वाधिक विकसित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और शीतोष्ण वनों में। ठीक है, टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आप आंसर दे दीजिए कि सर्वाधिक जैव विविधता किन वनों में पाई जाती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, हो सकता है आपको लगता हो, कुछ को लगता हो, कुछ आते हैं और चले जाते हैं, सोचते हैं यार कौन टाइम खराब करेगा, या सोचते हैं अभी एग्जाम बहुत दूर पड़ी है कौन सॉल्व करेगा। लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना आप, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आपका जो मैटर है वो इतना सॉलिड बन जाने वाला है इन क्वेश्चन के बल पर। आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी और ऐसे क्वेश्चन या फिर ऐसे ही रिलेट करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से सफलता दिलवाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां हम आंसर की बात करते हैं तो सर्वाधिक जैव विविधता हमें मिलती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जिनको हम क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? ओके दोस्तों, टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूं। कौन से वे वन है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वनों की कैटेगरी में आते हैं, जैसे मानसूनी, टुंड्रा, टैगा या भूमध्य सागरीय वन? दोस्तों यहां पे आपको आंसर देना है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन। कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं दोस्तों, इन्हीं प्रदेशों में से वो हैं, कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहां पे हमें कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियों के साथ साथ सदाबहार प्रकार की वनस्पति भी देखने को मिलती है, और ऐसा जो प्रदेश है वो इनमें वो है भूमध्य सागरीय वन। दोस्तों वैसे भूमध्य सागरीय जो वन है इनको रूम सागरीय वन भी कहा जाता है, और ये जो रूम सागरीय वन है इनकी खास विशेषता ये है कि इनमें कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो कंटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं, जिन्हें चपरेल कहते हैं कैलिफोर्निया में और माकी कहते हैं इस भूमध्य सागरीय प्रदेश में। साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जैसे कि ऑलिव, अंजीर, इसके अलावा खट्टे फलों वाले वृक्ष, और दोस्तों साथ ही साथ इनके साथ यहाँ पे ऐसे वृक्ष भी हैं जो सदाबहार प्रकार के होते हैं और उनको हम शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैंने उठाया है। मुझे बहुत ही पसंद क्वेश्चन आया क्योंकि सभी हम ये जानते हैं, हमने सभी जगह ये पढ़ा है कि सदाबहार वन केवल भूमध्य रेखीय प्रदेशों में या अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में मिलते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे ये रूम सागरीय या भूमध्य सागरीय या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी ऐसा है जहां पे हमें शीतोष्ण सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है। ओके दोस्तों, आपको ये बताना है कि इनमें से भूमध्य सागरीय वन का नाम कौन सा नहीं है, यानी कहने का अर्थ है कि भूमध्य सागरीय वनों को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा नहीं है, माकी, मैटोरल, मैली या बोरियल। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि इनमें से कौन सा भूमध्य सागरीय वन का एक उपनाम नहीं है, माकी, मैटोरल, मैली या बोरियल। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोरियल। बोरियल हम किन वनों को कहते हैं, कोणधारी वनों को कहते हैं या शंकुधारी वनों को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। किस वनों को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? आपको आंसर देना है कि कौन सा वन क्षेत्र है इनमें से कि जिसको प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है। टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ। यह है स्टेपी, मानसूनी, सवाना या इनमें से सभी को कहा जाता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे प्राकृतिक प्राणी उद्यान के रूप में जिसे हम जानते हैं, स्टेपी है, मानसूनी है, सवाना है या ये सभी हैं। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों, यदि हम बात करें कि जिसे हम प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहते हैं वो होता है सवाना। सवाना बहुत ही बड़ा चौपाया जीवों का एक प्रदेश है और इसे विश्व की शिकार भूमि या विश्व का शिकारगाह ऐसा कुछ नामों से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है? दोस्तों, आपको ये बताना है कि ये जो नीचे ऑप्शन है इनमें से सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं। टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि ये कौन से वो वन होंगे जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों ये हैं हमारे वर्षा वन, है ना, यानी जो सदाबहार वन हैं ये वन हमारे पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, सबसे सघन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोंटाना वन पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कट गया, मोंटाना है ये वर्ड, मोंटाना है ना। मोंटाना वन कहाँ पाए जाते हैं, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर या रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढाल पर या एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर या एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, मोंटाना वन कहाँ मिलते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये विश्व जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन है। आपको आंसर देना है फटाफट से, विश्व जैव विविधता से संबंधित है या यूँ कह सकते हो जैव मंडल से संबंधित है। जैव मंडल, जैव विविधता, हम इसमें वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, कुछ वन्य जीवों के बारे में पढ़ते हैं, वन समुदाय, जैव समुदाय के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि मोंटाना वन कहाँ मिलते हैं, तो दोस्तों ये एंडीज पर्वत का जो पूर्वी ढाल है यहाँ पे ये मोंटाना वन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन बताने, आपका टाइम मैंने शुरू कर दिया हूँ, रूस, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील या स्कैंडिनेविया। हाँ, आपको आंसर देना है कि शंकुधारी जो वन है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल, भारत ने सॉरी विश्व में कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, रूस में, उत्तर अमेरिका में, ब्राज़ील में या स्कैंडिनेविया में। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या। ओके दोस्तों, टाइम समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं कि ये वन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो ये दोस्तों मिलते हैं सबसे ज़्यादा रूस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, निचले स्तर पर सघन झाड़ियाँ व फूलदार पौधे, लियाना की अधिकता, परपोषित पौधों की अधिकता। टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आप बता दीजिए कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में कौन सी विशेषता नहीं होती है। चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। निचले स्तर पर सघन झाड़ियाँ व फूलदार पौधे होते हैं क्या? आपको सोचना है। लियाना तो हम बात कर चुके हैं, बेलों की अधिकता होती है, बिल्कुल होती है। परपोषी पौधों की अधिकता, परपोषी पौधे भी यहाँ पे होते हैं क्या? आपको दो ऑप्शन तो निकल गए, अब दो में से ही आंसर बी और डी में से एक होगा, आप बता दीजिए कि कौन सा इनमें से नहीं होगा। तो दोस्तों, परपोषी जीव पौधे यहाँ पे बहुत होते हैं। अब क्या नहीं होता, सघन झाड़ी व फूलदार पौधे नहीं होते, ये पतझड़ वनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ये निचले स्तर पर सघन झाड़ी व फूलदार पौधे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तर गोलार्ध में ही मिलता है? विषुवतरेखीय उष्णार्द्र वन, भूमध्य सागरीय, मानसूनी, समशीतोष्ण कोणधारी। टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर अपना लिख दीजिए। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कौन से वो वन हैं जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर गोलार्ध में ही देखने को मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर अपना फटाफट से लिख डालिए। जल्दी से दोस्तों, टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि वे कौन से वन होंगे जो सिर्फ उत्तर गोलार्ध में ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो इनमें से जो वन होते हैं जो केवल उत्तर गोलार्ध में ही मिलते हैं वो होंगे विषुवतरेखीय, ये होंगे समशीतोष्ण कोणधारी वन, है ना। मैं थोड़ा सा ख्यालों में चला गया था, तो समशीतोष्ण कोणधारी वन ये होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यार ये क्वेश्चन कैसे टाइप हुए हैं आज, ये स्लाइड ऐसी कैसे आ रही है? मुलायम लकड़ी के, अब ये मुलायम है ध्यान रखना, मुलायम लकड़ी के कोणधारी जो वन हैं वो मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ? पाए जाते हैं ना मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन कहाँ, किस जोन में मिलते हैं? टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ, आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन कहाँ मिलते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। 30 डिग्री से 40 डिग्री, 50 डिग्री से 70 डिग्री, 60 से 70 या 30 से 60, बताएं फटाफट से आंसर दीजिए कि कोणधारी वन कहां मिलते हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए, कोणधारी वन कहां मिलते हैं, आंसर फटाफट से देना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे यदि आंसर की बात करते हैं तो ये मिलते हैं 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? तो टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है वो किस वर्ष हुआ है। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है वो किस वर्ष हुआ है? ठीक है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से आप लिख दीजिए। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ है, तो 1884 में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्व व पश्चिम, 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो जल्दी से आंसर दे दो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की जो स्थिति है वो किसके नज़दीक है, बताएं फटाफट से आंसर दे दीजिए। आंसर दो फटाफट से, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्नलिखित में से किसके नज़दीक है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसका राइट आंसर होगा डी, यानी ये 180 डिग्री पूर्व और पश्चिमी देशांतर के साथ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, क्यों? इसका ऑप्शन हम पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। दूसरा, पहला ऑप्शन है कि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। जी बिल्कुल, ये तो राइट आंसर है इसका। दूसरा देखते हैं, नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समंजित करने को शुक्र बनाया जा सके। शुक्र, व्हाट इज द शुक्र? मतलब ईजी है ना, शुक्र का मतलब मैं यहाँ समझ रहा हूँ ईजी। तो नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समंजित करने के लिए सुलभ बनाया जा सके, शुक्र लिख दिया, शुक्र भी होता है क्या कुछ वर्ड? तो घड़ी का समय समंजित, हाँ दोस्तों क्या होता है कि घड़ी का जो समय है हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे बी आंसर नहीं होगा, उसका रीजन मैं आपको बताऊँ कि ये घड़ी का समय समंजित नहीं होता है, है ना, वो घड़ी की तिथि समंजित होती है। इसमें तिथि का बदलाव होता है, यहाँ पे समय का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इस बी को राइट नहीं मानूंगा। दूसरा, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर दिवस का समंजन कर सकें, ये तो राइट होता है। तो इसमें दोस्तों ए और सी राइट हो गया, तो फिर इसका अर्थ है कि हम डी को भी यहाँ पे डी उपरोक्त सभी माने। मैं बी फिर से पढ़ता हूँ और इस पर हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं। नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समंजित करने को सुलभ बनाता है, घड़ी का समय
हाँ, ये उस वे में लिया है, घड़ी का समय यानी कि दिन के समय से ही संबंधित है। घड़ी को आगे पीछे करना पड़ता है ना, जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते हैं तो एक दिन पीछे और एक दिन बढ़ाना होता है। तो हाँ बिल्कुल उस वे में लिया है इसमें, और इस वजह से इसका जो ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी है। ये एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आए हुए जो पेपर है वहाँ से उठाया है, तो ये मैंने खुद ने नहीं बनाया है, ठीक है। और मैं बनाता तो आप सोच सकते हो कि ऑप्शन बिल्कुल सटीक होते हैं, मतलब डाउटफुल नहीं होते हैं ना, ठीक है। तो अपने बनाने में और एग्जामिनर के बनाने में बस यही डिफरेंस है। अपन जो पेपर बनाते हैं तो वो पेपर ये होता है कि जिसमें आंसर होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं, कंफ्यूजन कम होता है, और ये जो पेपर होते हैं ये एग्जामिनर सेट करता है, पेपर सेटर जो होते हैं वो सेट करते हैं, और वो कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन पैदा करेंगे ही। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? ओके, टाइम आपका शुरू कर रहा हूँ। आपको बताना है कि उत्तर प्रशांत महासागर में, दोस्तों आपको बताएं, उत्तर प्रशांत महासागर में बेरिंग जल संधि और बेरिंग सागर के समीप इसको मोड़ा गया है। इसका रीजन क्या है? हवाई द्वीप है, अल्यूशियन द्वीप है, या क्यूराइल है, या उपयुक्त सभी है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपको आंसर देना है कि क्या कारण है कि उत्तर प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है। ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर प्रशांत महासागर की बात हो रही है, पूरे की नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे अल्यूशियन द्वीप। अल्यूशियन द्वीप है, इन अल्यूशियन द्वीपों की वजह से उत्तर प्रशांत महासागर में क्या किया गया है, इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर दे दीजिए। पृथ्वी को हम कितने समय कटिबंधों में बांट सकते हैं? आंसर दे दीजिए, 2, 4, 24, 56। दोस्तों यहाँ पे आप जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रोज मैं आपको, रोज रात को 9 से 9:30 के बीच में, कभी कभी 9 हो जाता है या 9:30 हो जाता है, उसके बीच में आपके लिए मैं डेली क्वेश्चन लेकर आता हूँ, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप क्वेश्चन के माध्यम से भी यदि अपनी स्टडी से जुड़े रह सकते हैं, यानी जुड़े रहें, तो निश्चित है कि आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मतलब ऐसा है कि चलो आपको ये लग रहा होगा लॉकडाउन है, एग्जाम होगी कि नहीं होगी, सभी को लग रहा है, टीचर्स को भी ये लग रहा है और स्टूडेंट्स को भी ये लग रहा है, बट आप अगर अपना मैटर नहीं पढ़ रहे हैं उसके बावजूद यदि आप क्वेश्चन के माध्यम से अपनी स्टडी से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए सोने पर सुहागा है, ये सोने पर सुहागा साबित होगा आपका ये जो सेशन मैं डेली लेकर आता हूं। ओके, तो यदि हम इसका आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है वो, बट इजी क्वेश्चन भी है। फटाफट से आंसर दे दीजिए, क्या आंसर होगा इसका? दोस्तों बात कर रहे थे कि इनमें से कौन सा वो स्थान होगा प्रमाणिक समय और स्थानीय समय जिनका समान होगा। तो ऑप्शन थे हमारे पास नई दिल्ली, नैनी, अहमदाबाद और रांची। तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि इनमें से वो कौन सा स्थान होगा जहाँ का मानक समय यानी कि स्थानीय समय, सॉरी, मानक समय या प्रमाणिक समय और स्थानीय समय समान होता है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इनमें से कौन सा वो राइट होगा, नई दिल्ली, नैनी, अहमदाबाद या रांची? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों यदि हम आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नैनी। नैनी पड़ता है इलाहाबाद के समीप और यहीं से 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। दोस्तों पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य समझ रहे हो आप, अनुदैर्ध्य हम बोलते हैं देशांतर रेखाओं का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि दो जो स्थान हैं उनमें देशांतरी अंतराल 15 डिग्री है, अनुदैर्ध्य मतलब देशांतर, तो उनके स्थानीय समय का अंतर क्या होगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे या 15 घंटे? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर कितना है? 15 डिग्री है। फटाफट से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। दोस्तों 15 देशांतर का मतलब होता है 1 घंटा, यानी बस दोनों स्थानों का अंतर होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? इजी क्वेश्चन है, तो ग्रीनविच कहाँ है दोस्तों? ये यूनाइटेड किंगडम में है। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस में
किस एक में घड़ी का समय अन्य तीन नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये बताना है कि ये जो चार स्थान हैं इनमें से वो कौन सा स्थान ऐसा होगा जहाँ पे समय समान नहीं होगा तीन अन्य से। तीन का समय समान होगा, बाकी अन्य का समय समान नहीं होगा। फटाफट से आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। लंदन, लिस्बन, अदिस अबाबा और अक्रा, घाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा इथोपिया, क्योंकि लंदन है, लिस्बन है और एक्रा है, ये ग्रीनविच रेखा पर आते हैं और इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में है। तो ग्रीनविच पर स्थित सभी स्थानों का समय समान होगा, और जबकि इथोपिया का समान समय जो समय है इथोपिया का समय इनके समान नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है आपको कि इनमें से किसका गुरुत्वाकर्षण है जिस के कारण ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी का चंद्रमा पर, सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। फटाफट से आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि पृथ्वी पर। राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका होगा कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है वो क्या यहाँ पे फोर्स डालता है, उससे क्या उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, इसको हम सिजगी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहेंगे? दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यहाँ यदि हम बात करते हैं तो यहाँ ये सूर्य और चंद्रमा, ये चंद्रमा और उसके बाद ये अर्थ। तो देखो तीनों एक सीधी दिशा में हैं, ये हमारी अर्थ है। अब इस अर्थ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों फोर्स लगाएंगे तो ऐसे में दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होगी, इसको हम वृहत ज्वार कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेल्टा शब्द का प्रतिपादक किसे माना जाता है, यानी डेल्टा शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि डेल्टा शब्द का प्रतिपादन करने वाले कौन थे। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि डेल्टा शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, पोलिडोनियस, इरेटोस्थनीज, हिकेटियस या हेरोडोटस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेरोडोटस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है, नील, सुंदरवन डेल्टा, अमेजन और मिसिसिपी। तो दोस्तों राइट आंसर है सुंदरवन डेल्टा, वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला स्थान है वो कौन सा है, यानी प्राकृतिक जो प्रदेश हैं उनको प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? प्राकृतिक प्रदेश समझते हो, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु, स्थल रूप, मिट्टी और वनस्पति। तो दोस्तों प्राकृतिक प्रदेशों को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो होता है जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है किस आधार पर होती है? तो ये दोस्तों यदि हम आंसर की बात करते हैं तो प्राकृतिक प्रदेश में जो समरूपता पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा समरूप होता है उसकी जलवायु और उसकी वनस्पति। ठीक है, तो जलवायु और वनस्पति, यानी हम इसका जो राइट आंसर देंगे वो क्या होगा, प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होगी। ठीक है, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति सबसे ज़्यादा समरूप स्थापित करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता, तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति है वो प्रदेश में समरूपता पैदा करेंगे। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे से रिलेटेड है ना, हमारे से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि आलस्य का प्रदेश किसे कहते हैं, विषुवत रेखीय प्रदेश को, सवाना को, या मानसूनी या भूमध्य सागरीय प्रदेश, इनमें से वो कौन है जिसे आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? विषुवत, सवाना, मानसूनी और भूमध्य सागर। इजी क्वेश्चन है, मानसूनी जो प्रदेश है इसी को हम क्या कहते हैं, आलस्य का प्रदेश कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सबसे कम तापांतर पाया जाता है, दोस्तों आपको ये बताना है कि सबसे कम तापांतर पाया जाता है विषुवत रेखा में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, मानसून या टुंड्रा। आपको आंसर देना फटाफट से कमेंट बॉक्स में। दैनिक तापांतर सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है, विषुवत, मानसूनी, भूमध्य सागरीय या टुंड्रा? तो राइट आंसर होगा इसका विषुवत प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? आंसर देना है, इजी क्वेश्चन है ये भी। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच कौन सा प्रदेश है, मानसूनी है, मरुस्थली है, विषुवती है या सवाना है? फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री के बीच में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होता है विषुवती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? ओके, टाइम आपका शुरू, टाइम कैसे शुरू करूं? वॉच तो चली गई, ये मैं वीडियो को पॉज किया था तो पॉज करने से बस वॉच चली गई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आंसर दीजिए, विषुवत प्रदेश में वर्षा कब होती है? गर्मी में, जाड़े में, या सालों भर, या कभी नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सालों भर। सालों भर का मतलब है कि हर दिन बारिश होती है दोपहर के बाद, तो हम इसको सालों भर कह सकते हैं। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? टाइम आपका शुरू हो गया, मेरी आदत पड़ गई यार ये, बट टाइम तो है ही नहीं ना अभी। तो रोपण कृषि किस प्रदेश में की जाती है? विषुवत रेखीय, सवाना, भूमध्य सागरीय, या मानसूनीय? रोपण कृषि दोस्तों, चाहे वो रबड़ है, बांस है, नारियल है, ये सब रोपण कृषि में आते हैं, और इनके लिए कौन जाना जाता है? विषुवत रेखीय जो प्रदेश है वो इनके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है? आपको ये बताना है कि मानसूनी जो जलवायु है वो किस से प्रकट की जाती है? AWAMAFCW, आपको फटाफट से आंसर देना है कि मानसूनी जलवायु किससे संबंधित है। AM, तो ध्यान रखना है मानसूनी जलवायु का संबंध है AM से। दोस्तों एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि टाइम आपका इतना ठीक है या टाइम को कम रखा जाए, यानी क्वेश्चन जो है आपके लिए, मुझे ये लग रहा है कि आपको जो वीडियो है वो 20 से 30 मिनट मिले तो सफिशिएंट है, या जितना चल रहा है लगभग उतना 30 मिनट 45 मिनट बता दीजिए आप मुझे कमेंट में। आगे लिखते हैं फटाफट से नेक्स्ट। कौन सा जलवायु प्रदेश स्थायी हवाओं के स्थानांतरण का कारण? दोस्तों अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, कौन सा वह प्रदेश है इनमें से, जलवायु प्रदेश, जिसका निर्माण मानसूनी, सॉरी यार आंसर दे दिया मैंने, आंसर दे दिया, ओके तो इसका आंसर दे देता हूँ। अब व्यापारिक पवनों के स्थानांतरण के कारण किसका जन्म होता है? मानसूनी हवाओं का जन्म होता है। व्यापारिक पवनों जब स्थानांतरण होता है तो जन्म होता है मानसूनी हवाओं का, सॉरी मानसूनी जलवायु का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार होता है, उष्ण मानसूनी, दोस्तों तो इसका आंसर होता है कि ये जो उष्ण मानसूनी होता है ये दोनों ही गोलार्धों में मिलते हैं, 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के भीतर तक मिलते हैं, और यूँ जान मानिए कि 10 से 30 के भीतर निश्चित रूप से देखने को मिलता है, 10 से 30, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें 5 से 30 करना होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, तो फटाफट से देख लेते हैं इसे कि सागवान, सागवान है ये, तथा सखुआ, सखुआ हम साल को ही बोलते हैं, किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? दोस्तों ये आपको बताना, सागवान है, साल है, शीशम है, हल्दू, नीम, पीपल, बरगद, ये एक ही प्रकार की जलवायु में मिलते हैं, और ये जलवायु कौन सी है? मानसूनी प्रदेश है। ओके ना दोस्तों, तो बस ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू, जय हिंद।